नमस्कार दोस्तों। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो उनको अपने कॉस्ट को काबू में रखना ही होता है। कॉस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि अच्छी प्रॉफिट अर्न किया जा सके, और ये काम इतना भी आसान नहीं है। और इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है, और ये प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास ही होता है। ये सिर्फ कॉस्ट को हैंडल ही नहीं करते, इसके अलावा CMA ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान इम्प्लीमेंट करने में और उसको डेवलप करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए इनकी डिमांड अब बढ़ रही है, और ऐसे में CMA को एज ए करियर चूज करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CMA कैसे बनता है। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में CMA बनने की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। फर्स्ट हम जॉब स्कोप देखने वाले हैं, ताकि आपको पता चले आप जिस कोर्स में अपना टाइम पैसा लगाने वाले हैं उस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी जॉब ऑफर होने वाली है, आपको किस टाइप की काम करना होगा। जॉब प्रोफाइल जानने के बाद हम कोर्स की डिटेल, एंट्री प्रोसेस देखने वाले हैं, कोर्स की सिलेबस, उसके बाद फीस, सैलरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जॉब स्कोप। अकॉर्डिंग टू US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% फ्रॉम 20 to 2030। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर CMA को इनमें शामिल किया जाए तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा हो जाता है। और 2021 के IMA ग्लोबल सैलरी सर्वे में पता चलता है कि CMA सर्टिफाइड होल्डर के लिए स्पेसिफिक जॉब ऑप्शन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू नॉन CMA वाले, और आने वाले समय में इनकी जरूरत ज्यादातर सेक्टर में होने ही वाली है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, डेवलपमेंटल एजेंसीज, एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर्स। अगर CMA की जॉब रोल की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटिंग मार्जर, सीनियर अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब जॉब रोल में काम करते हैं। सेकेंड हम कोर्स की डिटेल और एंट्री प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों CMA करना है तो उसके लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो आपको CMA की डिग्री प्रोवाइड करवाती है। इसमें आपको इंजीनियरिंग और MBA के कॉलेजेस के तरह हजारों कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ICMAI का ब्रांचेस होती है हर सिटी में, पर सारे ब्रांचेस का काम यही होता है कि वो ऑनलाइन आपको कोर्स करवाते हैं। ये कोर्स 3 लेवल में डिवाइड किया है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और उसके साथ साथ आपको 3 साल का ट्रेनिंग भी पूरा करना होता है। इसीलिए इस कोर्स को खत्म करने में 4 से 5 साल लग जाता है। अगर हम CMA की एंट्री प्रोसेस देखें तो आप 12th के बाद फाउंडेशन के रूट से या ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन लेवल बेसिकली उन स्टूडेंट को देना होता है जो 12th के बाद CMA में एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए होता है, और डायरेक्ट एंट्री रूट में आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे एडमिशन ले सकते हैं। CMA में तीनों लेवल मिला के 20 पेपर होता है, जहां फाउंडेशन में 4 होता है और इंटर में 8 पेपर है दोनों ग्रुप मिला के। एक ग्रुप में 4 पेपर देना होता है, और फाइनल का भी सेम ही है, इंटर जैसा 8 पेपर देना होता है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो फाउंडेशन लेवल की सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अब आप इंटर लेवल की ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सिलेबस देख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ऐसे ही आप फाइनल लेवल की भी सारा सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट्स बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके सब्जेक्ट्स देख लेना। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, CMA की कोर्स में फाइनल लेवल की जो पेपर नंबर 20 है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव मतलब इसमें आपको नीचे के तीनों में से किसी एक के ऊपर एग्जाम देना है। इसमें आपको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको स्किल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है, जहां स्किल ट्रेनिंग इंटर लेवल के बोथ ग्रुप क्लियर करने से पहले करना है। यहां आपको SAP फाइनेंस पावर्ड यूजर ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पास सॉफ्टवेयर स्किल ट्रेनिंग, ई फाइलिंग एसेट्रा की ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको करवाने का मोटिव यह है कि जब आप जॉब के लिए जाए तो आपको वो सारी नॉलेज हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 3 साल का करना है, जिसमें 15 मंथ की ट्रेनिंग आपको फाइनल के रिजल्ट आने से पहले ही करना है। मतलब कि अगर आपने 10 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है तो आप फाइनल का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन फाइनल के सेकेंड ग्रुप से पहले 15 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए होगा।
ये ट्रेनिंग आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी फर्म से कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक एंटिटीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर भी कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम ये 7 डेज का होता है, जो आपको फाइनल में एडमिशन लेने के बाद और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले करना है। 4th में फीस स्ट्रक्चर, CMA की टोटल फीस है 53,000। ये तीनों लेवल मिला के है जो इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करती है। इसमें कोचिंग फीस ऐड नहीं है, अगर आप कोचिंग को मिला दे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। फाउंडेशन का 6,000, इंटर का 22,000 और फाइनल का 25,000 होता है। और अगर कोचिंग लेते हैं तो आपको 3,00,000 पड़ जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, उससे कम भी लग सकता है। 5th में सैलरी। दोस्तों अब हम सैलरी पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सैलरी वेरी करता है आपके नॉलेज के ऊपर। कोई कोई फ्रेशर CMA 15,00,000 लेता है, किसी किसी को 6,00,000 भी मिल रहा है। इसीलिए आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, सैलरी और जॉब आपको ऐसे ही आपको मिल जाएगा। हाँ इतना तो है कि CMA कंप्लीट कर लेंगे तो कभी अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठे। फिर भी एवरेज सैलरी की बात करूं तो एक फ्रेशर CMA को 10,00,000 पर एनम की पैकेज तो मिल ही रहा है और हाईएस्ट आपका 27,00,000 गया है। ये 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।